प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपको भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य नामक चैप्टर से अवगत कराऊंगा और मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा कि आचार्य कौटिल्य ने एक मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका दृश्य हम बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, उसके चार्ट को बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इस क्लास में मंडल सिद्धांत की चर्चा करें। इससे पहले मैं जानता हूं कि हमने जो क्लास पढ़ाई थी वो आचार्य कौटिल्य द्वारा, आचार्य कौटिल्य के जीवन दर्शन पर हमने प्रकाश डाला, उनके द्वारा जो उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और कहां पर हुआ इसके बारे में चर्चा की, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी इसके बारे में चर्चा किया, उस पुस्तक में क्या क्या विशेषताएं थी वो सब हमने क्रमवार से आपके सामने एक क्लास में रखा। अगले क्रम में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, विस्तार से इसका विश्लेषण करता हूँ और देखता हूँ कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य ने किस सिद्धांत की व्याख्या की है, उसमें कौन कौन से तथ्य जोड़ा है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कारगर सिद्ध हुई हैं। तो उनके मंडल सिद्धांत को प्रतिपादित करने में उन्होंने राज्य के 12 पार्टों का अध्ययन किया है, राज्य के आसपास निवास करने वाले जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सब की उन्होंने चर्चा की है कि कौन शत्रु देश होगा, कौन मित्र देश होगा, शत्रु हमारा क्या होगा, शत्रु का मित्र हमारा क्या होगा। तो इससे सीधा साहब, जो शत्रु के जो हमारा शत्रु है, अगर उसका मित्र कोई होगा तो वो भी हमारे शत्रु के रूप में हमको मिलेगा, अगर उसका कोई शत्रु है तो हमें मित्र के रूप में मिलेगा। तो कहने का मतलब इस तमाम सारी बातों का अध्ययन हम इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दे सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपको राजनीतिक जीवन में जो आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उसमें क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या तथ्य हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, भारतीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, उन सब का अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किसकी तरफ इशारा करता है और ये कौन कौन से तथ्यों को हम तक पहुंचाता है। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो इसमें साफ चार्ट के माध्यम से साफ साफ दिखा है कि आचार्य कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इन्होंने जो प्रतिपादित किया है, आचार्य कौटिल्य के 12 मंडल सिद्धांतों की व्याख्या की गई है जो इस रूप में आपके सामने लिखा हुआ है, चार्ट के माध्यम से बना हुआ है। इसको हम इस रूप से क्रमवार एक एक करके हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बिजगीषु। बिजगीषु शब्द का मतलब सीधा से है कि विजय की इच्छा रखने वाला, अर्थात ऐसे राजा की बात की गई है जो विजय की इच्छा रखता हो, अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले, अपने साम्राज्य को विस्तार पूर्वक जो विस्तार कर सके, वैसी इच्छा रखने वाला अगर कोई राजा है तो उसके लिए ये मंडल सिद्धांत की व्याख्या, मंडल सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। जितना कि उसे राज्य चलाने के लिए शासन नीति का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, न्याय का ज्ञान होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, जितना ये शर्तें आवश्यक हैं उससे कहीं ज्यादा इस मंडल सिद्धांत की भी उसे आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं बिजगीषु करते हैं कि एक ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखने वाला हो। बिजगीषु शब्द का अगर रखा जाए, चर्चा की जाए, बिजगीष का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला। तो ये हम इसको संदर्भित करते हैं, इस शब्द को संदर्भित करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में जो विजय की इच्छा रखता है, विजय की इच्छा रखने वाला राजा को हम बिजगीष की संज्ञा दी गई है। अब आगे देते हैं, अगले स्टेप पे अरी शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अरी। अरी का मतलब होता है
यहां अरि का मतलब शत्रु से लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, इसका मतलब शत्रु से लगाया जाता है कि अगर विजय की इच्छा रखने वाला राजा का शत्रु जो है, एक तरफ शत्रु है, शत्रु किसे कहते हैं कि जो उससे जलन रखता हो, उससे घृणा रखता हो, उससे नफरत करता हो, उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, मित्र तो हो नहीं सकता, वो शत्रु ही हो सकता है। तो अरि का मतलब है यहां पर शत्रु से लिया गया। अब आगे चर्चा करते हैं मित्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मित्र। मित्र का मतलब होता है दोस्त, साथी। तो जो अगले स्टेप में राजा का पहले हो सकता है पड़ोसी राज शत्रु हो, उसके बाद का जो है वो शत्रु का शत्रु हो, अर्थात उसका शत्रु हमारा मित्र साबित होगा। मित्र का मतलब होता है दोस्त से लिया गया है, ठीक है, दोस्त से चर्चा कर सकते हैं। अब आगे अगर स्टेप में हम चर्चा करें तो अरि मित्र यहां पर रखा गया है, अरि मित्र की बात की गई है। अरि मित्र का मतलब ये शत्रु है, ये मित्र है, अर्थात शत्रु का मित्र हमारा क्या होगा, वो भी शत्रु ही होगा। शत्रु का अगर मित्र है तो हमारा क्या होगा, अर्थात उस राजा क्या होगा, शत्रु होगा, ठीक है। फिर मित्र, मित्र अब मित्र मित्र की बात करें तो मित्र का मित्र बराबर मित्र होगा, अर्थात हमारा मित्र, हमारे मित्र का मित्र क्या होगा, हमारा मित्र ही होगा। तो मित्र का मित्र मित्र हो सकता है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो सकता है, और शत्रु का मित्र हमारा शत्रु हो सकता है, ये इससे ज्ञात होता है। अब आगे देखते हैं अरि मित्र, मित्र अर्थात शत्रु का मित्र। अगर यहां पर चर्चा की जाए कि अरि मित्र, मित्र तो अरि माने शत्रु होता है, शत्रु का मित्र मित्र हो, सर शत्रु का मित्र हमारा शत्रु होगा, और उसके मित्र का मित्र क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, शत्रु ही होगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ऐसी चर्चा की गई है, देखा गया है, बताया गया है। अब इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं पार्षण ग्रह। पार्षण ग्रह का मतलब होता है ये भी ठीक वैसे होता है जैसे कि राजा, अर्थात जो राजा जो राज्य के पीछे निवास करने वाला राष्ट्र होता है, ठीक जैसे बिजगीषु के सामने जो निवास करता है अरि मित्र होता, कहने का मतलब जो होता है अरि होता है, जैसे शत्रु कहते हैं, उसी तरह इसकी चर्चा पार्षिक ग्रह के रूप में की जाती है कि पार्षिक पीठ के पीछे जो राज्य स्थापित होता है वो ठीक ज्यादातर शत्रु की भूमिका निभाता है, क्योंकि जो पड़ोसी राष्ट्र होता है शत्रु के रूप में दिखाई देता है, उसके उसकी हम चर्चा उस रूप में कर सकते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करें हम आक्रांत की, चर्चा अगर करें तो आक्रांत क्या होगा, ये मित्र की भूमिका में नजर आएगा, अर्थात ये इसके पार्षिण ग्रह जो राज्य है राजा है इसके बाद इसका स्टेट होगा या इसके होगा, तो आक्रांत अर्थात इसका ये शत्रु होगा, तो ये हमारा किस रूप में होगा, ये मित्र के रूप में इसकी चर्चा की जाती है, ठीक है।
आगे क्रम में देखते हैं अब यहां पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मां पार्षण ग्रहण के बाद आक्रांत आता जो हमारे मित्र की भूमिका निभाता है, अब पार्षण आक्रांत के बाद जो उसके पीछे जो राज होगा पार्श्व ग्रह सार अर्थात तो पार्श्व ग्रह का मित्र होगा, इसलिए हमारा क्या होगा वो पार्षण ग्रह का ग्रह सार अर्थात इसका पार्षण ग्रह का ये मित्र है, इसलिए हमारा किस रूप में होगा ये शत्रु की भूमिका में नजर आएगा, इसलिए हमारा शत्रु सिद्ध होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं आक्रांत सार की बात करें, आक्रांत सार क्या है, आक्रांत सार आक्रांत शारी आक्रांत का मित्र होता है, आक्रांत का मित्र होगा अर्थात वो बिजगीस राजा का क्या होगा मित्र साबित होगा, क्योंकि आक्रांत मित्र राजा का मित्र होगा। इस रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल का जो मंडल सिद्धांत है वो इस रूप को दिखाता है, इस रूप से प्रदर्शित करता है कि ये दसियों रूप इस मंडल सिद्धांत के अंतर्गत हमने चर्चा की बार देखा। अब आगे हम देखते हैं कि माध्यम मध्यम क्या होता है और उदासीन क्या होता है, मध्यम पर किसकी चर्चा करते हैं और उदासीन की बात कैसे करते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं मध्यम शब्द है क्या है, मध्यम, मध्यम का मतलब होता है कि ऐसा राजा जो बिजगीस राजा से और उसके शत्रु से दोनों से बलशाली हो, जो मध्यस्थता करता हो अदर मध्यम की भूमिका निभाता हो, वो क्या हो सकता है मध्यम की भूमिका अदा कर रहा था तो दोनों से ताकतवर हो, वो दोनों की सहायता भी कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, दोनों की सहायता कर सकता है और दोनों से युद्ध भी करने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे राज्यों को क्या कहेंगे हम मध्यम राज की श्रेणी में सम्मिलित करेंगे, जो दोनों को समझाने बुझाने का काम करे। क्योंकि जब हम मध्यस्थता की भूमिका कोई राष्ट्र अदा करता है तो वो दोनों से ताकतवर सिद्ध होता है। जैसे हम एग्जांपल के स्वरूप में देखें, वर्तमान परिस्थितियों में देखें, यदि कोई छोटे दो राष्ट्र विश्व में अगर लड़ रहे हैं तो उनकी मध्यस्थता कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चाइना आता है, क्यों, क्योंकि बलशाली राष्ट्र है, ताकतवर राष्ट्र है और दोनों को जो बातें समझाते हैं उनकी समझ में आ जाता है, चाहे उसकी ताकत के दम पर हो, चाहे उसके बल के दम पर हो, चाहे जैसे हो। तो ऐसे राज्यों को हम किस रूप में शामिल करते हैं, आचार्य कौटिल मध्यम की भूमिका अदा करते हैं, मध्यम राज्यों की श्रेणी में वो आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उदासीन राज्य क्या है, उदासीन राज्य की अगर हम चर्चा करें तो देखें उदासीन राजा भी जो होता है वो क्या है, सारे खेल आराम से देखता रहता है, वो भी ताकतवर होता है, विकराल रूप होता है उसका, वो ये देखता रहता है कि वो तीनों की सहायता कर सकता है, अर्थात दोनों की सहायता कर सकता है, जरूरत पड़ने पर उसकी भी सहायता कर सकता है, उधर परंतु किसी के पक्ष में वो कोई बात नहीं करता है, जो मदद मांगता है उसकी मदद वो कर देता है, जिसे हम उदासीन अर्थात उस तथ्य से उसका कोई लेना देना नहीं, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें हम कह सकते हैं मध्यम और उदासीन के जो व्यक्ति हैं, जो राजा हैं, वो इस रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि दोनों की मदद कर सकते हैं, दोनों को समझा बुझा सकते हैं, ये उनकी क्षमता है, उस आधार पर देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल्य का जो
मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसमें ये तमाम सारी बातों का अध्ययन किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज हमने ये चर्चा की आचार्य पोर्टल के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत की, जो आपके सामने एक क्लास के रूप में हम लेकर आए हैं। आपको मैंने क्रमवार से समझाया, उसके बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर मैं नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। मुझे आप सबके धैर्य पूर्वक इस क्लास को आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।